ग्रामीण अंचलों में वास करने वाले हर ग्रामवासी की चाहत उसका गांव अपने में संपूर्ण हो। गांव में हो पक्के रास्ते, सुव्यवस्थित आवास व्यवस्था, बैंक, पोस्ट ऑफिस, बेहतर शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाएं, सशक्त महिला समाज, कुल मिलाकर जीवन में समृद्धि और खुशहाली का एहसास। हर ग्रामवासी समझता है अपने गांव की जरूरतों को। आवश्यकता इस बात की है कि गांव में किए जाने वाले विकास कार्यों का निर्णय ग्राम सभा और पंचायत की आपसी सहमति से किया जाए। गैर सरकारी संस्था कच्छ नव निर्माण अभियान का सेतु कार्यक्रम गुजरात में कच्छ जिले की 100 ग्राम पंचायतों को इसी दिशा में सशक्त कर रहा है। गांव में हर महीने 1 से 10 तारीख के बीच में जो मीटिंग होती है, वहाँ बहनों सभी इकट्ठे होकर एक दूसरे का विचार जानती है। अस्पताल है उसमें डॉक्टर आता है कि नहीं आता है, गांव में स्कूल में क्या होता है क्या नहीं होता है, जो हमारे कोई तालाब में जो रिपेयर करना है तो बताती है, कोई कहती है कि हमारा रास्ता हमारे वार्ड में ख़राब है। सभी बात को आयोजन बनाकर ठहराव करके सर का ऑफिस में हम तालुका में जो देते हैं कि भाई ये हमारे गांव में ये उसकी ज़रूरत है और वो काम करना है हमको। गांव की ज़रूरतें क्या हैं, गांव में कौन से विकास और कल्याण कार्य प्राथमिकता के आधार पर होने चाहिए, गांव की महिला समिति इन सब पर विस्तार से चर्चा करने के बाद योजना का खाका तैयार करती है। ग्राम सभा और पंचायत की मीटिंग के दौरान इस पर चर्चा होती है। विकास कार्यों पर खर्च होने वाली धनराशि का भी आंकलन किया जाता है और फिर तैयार किए गए प्रस्ताव को ग्राम पंचायत और विभिन्न समितियों के सदस्यों की स्वीकृति के बाद ब्लॉक और जिला स्तर पर मंजूरी के लिए भेजा जाता है। मंजूरी मिलते ही इस दिशा में नियमानुसार कार्य भी शुरू हो जाते हैं। हमारी संस्था के इस प्रकार के प्रयत्न से अभी हमें ये महसूस हो रहा है कि ग्राम पंचायत जो स्थानीय स्वराज की जो सरकार है उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन आ रहा है। अभी लोग अपनी डिमांड रख रहे हैं, अपना आयोजन वो खुद बना रहे हैं और वो आयोजन के मुताबिक सरकार से पैसा लेके कोई ना कोई ग्रांट में से भी अपना काम वो कर रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि ऐसी सिस्टम पूरे देश के अंदर लागू होगी तो एक नया युग की शुरुआत होगी और एक नया परिवर्तन आएगा। गुजरात में कच्छ क्षेत्र के ग्रामीण अंचलों में ग्राम पंचायतों ने राज्य सरकार के सहयोग और प्रोत्साहन से अपने अपने पंचायत क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर आत्म सक्षम होने का जो प्रयास किया है उससे यहाँ के ग्रामीण अंचलों की तस्वीर बदल रही है। आवश्यकता है अधिकार संपन्न आत्म सक्षम ग्राम पंचायत की इस अवधारणा को अन्य राज्यों में भी प्रेरित करने की, ताकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की ग्राम स्वराज की अवधारणा पूरे देश में हकीकत की शक्ल ले सके।